गुड मॉर्निंग यार। आई होप करता हूँ कि सब बहुत सही हैं, बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे, जहाँ पे भी हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सर पता है कि जैसे कि हम सब मानते हैं कि जितने भी मतलब सब जितने भी शख्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ खास चीज़ होती है। अगर बस हमें ज़रूरत होती है तो उसे पहचानने की और उसे निखारने की, उसके बाद सब सही हो जाता है। सर उसी तरीके से जो बुक्स होती हैं, बुक्स में भी कुछ ना कुछ खास होता है, बस हमें ज़रूरत है तो उन्हें पढ़ने की और उन्हें समझने की। सर उसी के बेस पे मतलब इसमें मेरी पैराग्राफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज़ खास है। तो पहले मैं उस पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा तो क्या होता है। ठीक है, तो चल रहा चलते हैं। ओके, टुडे द रिवर इज एक्सपोजिंग हाउ वी हैव द टेंडेंसी टू जज अदर्स बाय देयर सरफेस अपीयरेंस एंड टू फाइंड ओनली द नेगेटिव क्वालिटीज, बट इफ वी सर्च बीनीथ द सरफेस वी डिस्कवर अ मायरेट ऑफ स्ट्रेंज मिक्स टूगेदर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर पर्सनस नेचर। द फॉल्ट्स वी परसीव आर लाइकली टू बी द इफेक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेज, जस्ट लाइक द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, अब्यूज, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, इनसिक्योरिटी, पेन, कन्फ्यूजन, डिजीजेस। सो यार जो ये पैराग्राफ है ना, ये मतलब बहुत ही एक अच्छा लेसन देता है हमें कि जो नदियों से हम क्या सीख सकते हैं। तो नदियों से बेसिकली क्या कि नदियों ने हमें सिखाया कि ना कि जो हमारी मतलब टेंडेंसी हो चुकी है कि हम ऊपर सरफेस से किसी को भी जज करते हैं, मतलब जो उनका जो अपीयरेंस होता है वो किस तरीके से दिख रहे हैं हम उसके बेसिस पे उन्हें जज करते हैं, ज़्यादातर हम वही करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनसे हम केवल जो मतलब बाहर जो दिख रहा होता है उसके बेसिस पर हम उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं उनको समझने लग जाते हैं और उनको फाइंड करने लग जाते हैं जो दिखता है उसके बेसिस पे। लेकिन जब हम किसी भी इंसान के या किसी भी शख्स को अंदर से जब जानते हैं ना, तो हमें उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती हैं। और उनके जितने भी मतलब ये लाइन है ना, इफ़ वी सर्च बीनीथ द सरफेस वी डिस्कवर दैट मायरेट ऑफ स्ट्रेंज मिक्स टुगेदर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर नेचर, यानी कि इंसान के अंदर जब हम जाते हैं, अंदर से हम जानने लग जाते हैं उन्हें, तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके नेचर को फॉर्म कर रही होती हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके अंदर छुपी हुई होती हैं, बस उन्हें थोड़ा सा वक्त देना होता है उन सब क्वालिटीज़ को जानने के लिए। एंड अगर जो कोई भी शख्स है तो मतलब उसका जो नेचर है मतलब कभी कभी ख़राब हो जाता है, वो किस वजह से कि बहुत सारी सर्कमस्टेंसेज होती हैं, कंडीशंस होती हैं, इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से कभी कभी माना कि हाँ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें टाइम देना चाहिए और वक्त के साथ उसको जानना चाहिए, ना कि केवल सरफेस अपीयरेंस से उन्हें पहचानो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप सब बढ़िया चलते हैं, मिलते हैं। सो हे गाइस, अपन ने अभी दिन में अपना जो काम होते थे थोड़े बहुत जो घर के काम है वो सब किए, उसके बाद में थोड़ी बहुत देर अपन पढ़े एंड अभी देखते हैं कि शाम को हमारा क्या प्लान बनता है। तो शाम को जो प्लान बनता है अब चलते हैं, शाम का जो प्लान बनता है देखते हैं क्या होता है। अभी शाम का वक्त हो रहा है और हम सभी दोस्त यहाँ पे घूमने आए हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पे अभी बरसात हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा है। सो हम सभी यहाँ पे अभी घूमने आए और यहाँ पे जैसा कि कॉम्पिटिशन होता है हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन पे, उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है। तो हमारा दोस्त है वो लॉन्ग जंप की तैयारी भी कर रहा है। तो अभी सब भी दोस्त वहाँ से आ चुके हैं। तो यार आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।